आज बन रही है माँ बेटी रसोड़ा में साउथ इंडियन मूंगफली की चटनी, जो कि हम अक्सर इडली, डोसा, उत्तपम, मेदू वड़ा के साथ इंजॉय करते हैं। चलिए हमारे साथ किचन में इसी टेस्टी चटनी को बनाने के लिए। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह गर्म करेंगे। ऐड करेंगे चना दाल 2 चम्मच। दाल को हम अच्छी तरह रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ऐड करेंगे आधा कप मूंगफली दाना। मूंगफली दाना को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, अगर हाई रखेंगे तो हमारी मूंगफली जल जाएगी। हमने यहाँ कच्ची मूंगफली ली है। ऐड करेंगे हमारा 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी हम हल्का सोटे करेंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको भी हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। ऐड करेंगे हरा धनिया, आधा कप हमने यहाँ हरा धनिया ऐड किया है। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। यहाँ हमें कलर चेंज होने तक इनको पकाना है। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे। देखिए 1 मिनट भूनने के बाद हमारी मिर्ची और धनिए का कलर चेंज हो चुका है पूरी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। इसको भी हम चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ बंद करेंगे। इसको हम 1-2 बार बीच बीच में चला देंगे और हम हमारे मिक्सर को ठंडा करेंगे। देखिए हमारी चटनी का मिक्स ठंडा हो चुका है। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्राइंडिंग जार में। मिक्स ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही में ऐड करेंगे आधा कप दही। साथ ही में ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसको फाइन पीस करके तैयार करेंगे। अगर आपको दरदरी चटनी पसंद है तो आप इसे थोड़ी हल्की दरदरी भी रख सकते हैं। चटनी हमारी फाइन पीस करके तैयार है। अब हम लेंगे यहाँ एक सर्विंग बाउल और उसमें हमारी सारी चटनी ट्रांसफ़र करेंगे। चटनी हमारी तैयार है, बस हमें अब इसमें तड़का लगाना है। तड़के में हमने यूज़ किया है यहाँ 1 चम्मच तेल को हमने अच्छे से गर्म किया, उसमें राई का छोक लगाया है। डालेंगे कड़ी पत्ता और लाल मिर्च 1 सूखी साबुत और ऐड करेंगे हमारी तैयार चटनी में। ये देखिए हमारी मूंगफली की साउथ इंडियन स्टाइल चटनी बन करके तैयार है। तड़का भी इसमें लग चुका है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग ये चटनी बन करके तैयार हुई है। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप भी अपने घरों में बनाएंगे और अपने अनुभव माँ बेटी के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।